पटना में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ आसमान में छाए घने बादल। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के 2000 बसों वाले बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। जनता दल के प्रवक्ता के बयान पर मुझे आश्चर्य हो रहा है, कह रहे हैं कि 2000 बस दे देंगे प्रवासियों को लाने के लिए। बहुत पैसा है राष्ट्रीय जनता दल के पास, मुझे तो बहुत मालूम है ना, दुनिया को भी मालूम है अपने इस पैसे का, जो आपके पास धन है उसका कितना इस्तेमाल आपने किया पिछले एक महीना में, वो भी जनता हिसाब खोज रही है। कितने प्रवासी बिहारियों को आपने मदद किया, खिलाया, रहने की व्यवस्था की, अब 2000 बस ऑफर कर रहे हैं। पैसा आपके पास है, पैसा प्रधानमंत्री केयर फंड में और मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दीजिए ना, उसका उपयोग होगा। अभी तो सबको मिलकर लड़ना है, कोरोना से लड़ने के लिए सब लोग एकजुट होकर मिलना है। ओछी बयानबाजी क्या कर रहे हैं, बिहार की सरकार खुद सक्षम है और अपने बूते पर बिहारवासियों को, प्रवासियों को और भारत सरकार दोनों हद से ज्यादा मदद की है और आगे भी करेगी और सब तरह के उपाय करके उनको वापस लाएगी। आपके अपने इस बयान को अपने पास रखिए।